الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله कैसे समझेंगे तेरी शान जमाने वाले कैसे समझेंगे तेरी शान जमाने वाले खुद मिटेंगे जो तेरा नाम मिटाने वाले खुद मिटेंगे जो तेरा नाम मिटाने वाले जो ही तैबा से मैं निकलूं तो कहें यूं आका लौट आओ ऐ मेरे शहर से जाने वाले लौट आओ ऐ मेरे शहर से जाने वाले जेर मदफन भी तेरी दीद से पाया है सकूं तेरा एहसान मेरी कब्र में आने वाले तेरा एहसान मेरी कब्र में आने वाले पूरे आलम में कोई तुझसा कारी ही नहीं नोक नेजा पे कुरान सुनाने वाले नोक नेजा पे कुरान
सुनाने वाले, क्या जरूरत है कि हम चांद का जलवा देखें, क्या जरूरत है कि हम चांद का जलवा देखें। ठहरो ठहरो कि वो हैं ज़ुल्फ़ हटाने वाले, ठहरो ठहरो कि वो हैं ज़ुल्फ़ हटाने वाले। अब तो दोज़ख़ कभी कोई खौफ नहीं हाकन, आ गए हम को जहन्नम से बचाने वाले, आ गए हम को जहन्नम से बचाने वाले। कैसे समझे गेतरी शान जमाने वाले। सामईन जित शाम अल्लाह सुबहानहु की हमद सना के बाद अल्लाह सुबहानहु के बड़े लाडले, बड़े प्यारे महबूब दनाए गजूब मौलाए कुल फख्र रसुल हादिय सबुल सईदा आमना सलामुल्लालेहा के दुर्रे यतीम शफील मुस्लिमीन, हम सब के दिलों की तस्कीन हजूर रहमतल आलमीन अलैही तहियत व तस्लीम के बारगाह कुदसिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। चंद अशआर बेमिसल महबूब की ज़ाते कुदसिया की नज़र, आज तरबियत औलाद के ऊपर आपके सामने गुफ्तगू करेंगे और ये बहुत ही अहम मौजू है। यही इंसान का सरमाया होती है औलाद, अगर उसकी तरबियत ठीक ना हुई तो इसका मतलब ये है कि उसके दुनिया में आने का मकसद पूरा ना हुआ। तो ये अल्लाह सुबहानहु का हुक्म है, अल्लाह ताला का कुरान है और सहला मकां की मीठी मीठी ज़बान है। ये 28वां पारा सूरा तहरीम की आयत नंबर 6 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। ये हुक्म सिर्फ ईमान वालों को है। ये कुरान मुकद्दस का अंदाज़े बयां है कि जब सारी नस्ल इंसानी को ख़िताब करना मकसूद होता है तो या अय्युहन्नास का सीगा आता है, तो जब सिर्फ़ ग़ुलामान मुस्तफ़ा को ख़िताब करना मकसूद होता है तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू का सीगा इस्तेमाल होता है। तो ये तरबियत औलाद का हुक्म जो है ये सिर्फ सरकार के ग़ुलामों को है, शमर सर्द के परवानों को है, इश्क नबी के दीवानों को है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। वकूदुहन्नास वल हिजारा, कि वो जहन्नम जिसका ईंधन कोई कोले, कोई लकड़ियां नहीं होंगे, कोई गैस नहीं होगी, बल्कि फरमाया वकूदुहन्नास वल हिजारा, उसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। ये बड़े सख्त अल्फाज हैं, अगर इंसान गौर करे तो शायद वो सारी उम्र कह कह लगा के हंस भी ना सके। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा नारं वकूदुहन्नास वल हिजारा, कि ओ बिलीवर्स सेव योर सेल्व्स एंड योर फैमिलीज फ्राम ए फायर हूज़ फ्यूल आर मैन एंड स्टोन्स। ए ईमान वालों, अपनी जानों को और अपने घर वालों को उस जहन्नम की आग से बचा लो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा।
तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वालदैन के फ़रायज़ हैं और वो औलाद के हकूक़ हैं, और जो औलाद के फ़रायज़ हैं वो वालदैन के हकूक़ हैं, ये वाइस वर्सा दोनों चीज़ें चलती हैं। तो वालदैन के ऊपर छः हकूक़ हैं औलाद के। पहला हक ये है कि अपनी औलाद की पैदाइश के ऊपर खुशी करे, बेटा हो या बेटी दोनों की विलादत के ऊपर खुशी करे। आजकल होता क्या है, बेटा हो तो बड़े लड्डू और मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं, बेटी पैदा हो तो घर में लड़ाइयाँ पैदा हो जाती हैं, और ऐसा भी होता है कि बाद खामन बीवी को कत्ल ही कर देते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। हालाँ बेटे देने वाला, बेटियाँ देने वाला, बांझ बनाने वाला वो हाल के हकीकी है, वो माल के हकीकी है, इसकी शान ये है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ यशा। वो तो माओ के रहमों में तुम्हारी सूरत बना देता है जैसे वो चाहता है। तो ये पहला हक है औलाद का, वालदन का फ़र्ज है कि औलाद की पैदाइश के ऊपर खुशी का इजहार करें। और दूसरा जो वालदन का फ़र्ज है, औलाद का हक है, वो ये है कि जब उनको नहला के पाक साफ कर लिया जाए तो दाएं कान में अजान पढ़ी जाए, बाएं में तकबीर पढ़ी जाए। और ये नबी अलैहिस्सलाम ने हुसनैन करीमैन रहीमुस्सलाम के साथ ये दोनों काम किए हैं, दाएं कान में अजान, बाएं में तकबीर। और इस चीज़ की दलील है कि अजान और तकबीर के बाद कितना वक्त होता है जमात के खड़े होने का। इंसान, यही तेरी ज़िंदगी की हकीकत है, यही तेरी ज़िंदगी की, इतनी कलील ज़िंदगी है तेरी। अगर सूरह अल-मारिज पढ़ी जाए ना, 29वां पारा, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो क़यामत का दिन है ना, कान मिकदारुहू हम सीन अल्फ़सना, ये एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। और जो बंदा दुनिया में 100 साल ज़िंदगी गुजारता है, अगर वो अपनी एवरेज निकाले, औसत निकाले, तो क़यामत के दिन के बारे में उसकी ज़िंदगी 2 मिनट 15 सेकंड बनती है। जो यहाँ सेंचुरी पूरी करता है, तो जो 50-60 साल है उसकी तो 2 मिनट की ज़िंदगी भी पूरी नहीं बनती। तो ये कितनी बेवकूफ़ी है कि हम हमेशा वाली ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने हमें अता करनी है, हम उसको दुनियावी ज़िंदगी के ऊपर कुर्बान कर देते हैं और अपने मकसद में नाकाम हो जाते हैं। तो फरमाया कि अपने बेटा या बेटी है, जब उसको नहला लिया जाए, दाएं कान में अजान दो, बाएं में तकबीर कहो, और उसे पता चल जाए उसकी ज़िंदगी की हकीकत कितनी मामूली है, कितनी कलील ज़िंदगी है। आपको पता है कि जितनी भी नमाज़ें हैं सब की अजान और कामत होती है, नमाज जनाजा की अजान भी नहीं होती, तकबीर भी नहीं होती, कि वो कान में कह दी जाती है। यही बात है कि नमाज जनाजा भी तो फ़र्ज कफाया है ना, इसकी अजान और तकबीर क्यों नहीं है, लेकिन ये पैदा होते ही दाएं कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कह दी जाती है। और बताया जाता है कि किसी वक्त भी तेरी ज़िंदगी की नमाज जनाजा तैयार हो जाएगी, तो उसके लिए तैयारी कर ले, आखिरत की फ़िक्र आखिरत कर। ये दूसरा औलाद का हक है, वालदैन का फ़र्ज़ है। और तीसरा जो औलाद का हक है वो ये है कि वालदैन तहनीक करें, उसे गुट्टी दें किसी नेकोकार बंदे से, किसी आलम से, किसी वली से, किसी मुर्शिद कामर से उसको गुट्टी दिलाएं, ये सरकार की सुन्नत है। किसी खजूर को या छुहारे को नरम करके अपने मुंह में डालकर फिर उंगली से बच्ची या बच्चे के तालू को लगाना, इसको तहनीक कहते हैं, गुट्टी देना कहते हैं। अगर नहीं तो शायद अपनी ज़बान पे लगा के नेकोकार जो बंदा है वो बेटी या बेटे के तालू के साथ लगा दे। ये तीसरा फ़र्ज है वालदैन का, और औलाद का तीसरा हक है। और चौथा जो हक है औलाद का वो यह है कि उनका अच्छा नाम रखा जाए। रूहुल बयान की 7वीं जिल्द है, मैं कुर्बान जाऊँ रहमत तकसीम करने वाले महबूब तेरी अजमत के ऊपर। देखो सरकार ने कितने आसान बहाने पैदा फरमा दिए बख्शिश के। रूहुल बयान की 7वीं जिल्द में आका करीम का फरमाने दी शान है कि वो खुशनसीब बाप
जिसने मेरे नाम के ऊपर आप मेरे नाम से बरकत हासिल करने के लिए और मेरे नाम से नफ़ा हासिल करने के लिए अपने बेटे का नाम मेरे नाम पर रखा, मोहम्मद या हमसाद रखा, तो हमारा काना हुआ व मौलूद हु फिल जन्ना। वो नाम रखने वाला खुश नसीब बाप और नाम रखनवाने वाला खुश नसीब बेटा दोनों जन्नत में जाएंगे। ये देखो ये इल्मे मुस्तफ़ा की अज़मत है। सरकार को पता था कैसे बदबख्त आएंगे जो कहेंगे कि अल्लाह के अलावा किसी से नफ़ा हासिल करना शिरक है। सरकार ने दो शर्तें लगाई हैं, माया कि जिसने मेरे नाम से नफ़ा हासिल करने के लिए और मेरे नाम से बरकत लेने के लिए अपने बेटे के नाम के साथ मेरे नाम जो जाती हैं, सरकार के दो हैं, अल्लाह का जाती नाम एक अल्लाह है, बाकी सिफाती हैं, सरकार के जाती नाम मोहम्मद भी अहमद भी है। जिसने अपने बेटे के साथ मेरे नामों के साथ एक नाम लगाया, लेकिन शर्त यह है कि उसकी ये नीयत हो मेरे नाम से नफ़ा हासिल करने के लिए और मेरे नाम से बरकत के लिए। काना हुआ व मौलूद हु फिल जन्नत, वो दोनों बाप बेटा जन्नत में जाएंगे। सरकार ने ये पहले पेपर आउट किया है। यही हम इनको दुनिया वालों को बताते हैं कि मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। क्यों ना हम जन्नत में जाएं आपके होते हुए, क्यों ना हम जन्नत में जाएं आपके होते हुए। क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए, ये मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। क्यों ना हम जन्नत में जाएं आपके होते हुए, क्यों ना हम जन्नत में जाएं। जब कितना आसान, इतना आसान उसका को दे गए नहीं कि नियत कर लो मेरे नाम से नफ़ा हासिल करने के लिए, मेरे नाम से बरकत लेने के लिए अपने बेटे के नाम के साथ मोहम्मद या अहमद लगा दो, पहले लगाओ या बाद में लगाओ, तो वो दोनों खुश नसीब जन्नत में जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। और पांचवा जो हक है औलाद का और वालदैन का फ़र्ज, वो ये है कि सातवें दिन उसका अकीका किया जाए। और सरकार का फरमान है कि जब अकीका कर दिया जाता है तमाम मुसीबतें और बलाएँ उस बच्ची या बच्चे से टल जाती हैं, और बग़ैर अकीका के वो बच्ची या बच्चा रहन होता है, गिरवी होता है। तो ये अकीका सातवें दिन करना सुन्नत है। यानी अगर बेटा आज जुमे को पैदा हो, बेटा हो या बेटी, तो जुमेरात को करना सुन्नत है। अगर वालदैन साहब भी हैसियत नहीं तो कोई बात नहीं, औलाद बड़ी होकर अपना अकीका खुद भी कर सकती है, लेकिन दिन साथ में रखना है। या जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है, अगर जुमे को पैदा हुआ है तो जुमे रात को अकीका करेगा, अगर हफ्ते को पैदा तो जुमे को अकीका करेगा। ये जो पांचवा औलाद का हक है, वालदैन का फ़र्ज है। और छठा और आखिरी जो औलाद का हक, वो ये है कि साथ में देनी उनके खतने करना, ये मसनून है और सुनते मौकदा है। ये बच्चों के खतने करना सुनते मौकदा है, और जो सुनते मौकदा का तारक है उसकी सज़ा पता क्या है? कशफल गुमा में हज़रत अब्दुर्रब शेरानी सरकार के फरमान को नकल करते हैं, फरमाते हैं कि आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन दैया सुन्नती हुरिमत अलैहि शफाअती, जिसने मेरे सुनते मौकदा को तर्क कर दिया उसकी शफात मेरे ऊपर हराम है। वो किधर जाएगा जिसको सरकार ने दुधकार दिया। तो ये छः औलाद के हकूक हैं और वालदैन के फ़र्ज हैं।